गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पेड़ के छाया में। यह है नीम का पेड़। आज हमारी छुट्टी थी काम की, इसलिए हम नहीं जा पाए, लेकिन कल से उधर ही जाना पड़ेगा। आज ये ब्लॉग इस पर्पस पे है कि आपको दिखाएंगे मेरे गांव में जितनी भी ओल्ड चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, उसको करेंगे एक्सप्लोर। आज रोटी आलू सब्जी आपको घुमाते हैं मेरे गांव में जितनी भी पुरानी इमारत है, जो भी जितनी अंग्रेजी जमाने की चीजें हैं, वो चीज करते हैं आज एक्सप्लोर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अंग्रेजों के जमाने का जो बना है स्कूल। हम दोनों भाई निकल के आ चुके हैं घर से बाहर, और हमारे घर से दूरी है यही कोई 400 मीटर। और ये रहा हमारे सामने इसका मेन गेट। जो ये इमारत है ये काफ़ी पुरानी टाइम की है। बाबा बताते थे कि ये अंग्रेजों का स्कूल है और हम भी यहाँ पढ़ा करते थे, लेकिन अब जो नया बीटा वर्जन आ गया है तो ये है जो स्कूल चालू है। किसकी कंडीशन ठीक है, यहाँ पे क्लास भी है 1 से लेके 8 तक। तो हम दोनों भाई लोग आ चुके हैं अंग्रेज जमाने के स्कूल की छत पर, और यहाँ से देखिए आप लोग भी किस तरह का है। नीचे नदी भी है, वो रहा पुल चौली का। मेरे बाबा को भी नहीं पता है कि किस तरह की क्या है बिल्डिंग, बस उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पर शिक्षा ली है। पर हम जहाँ करते हैं काम मेडिकल कॉलेज में, तो वो दूर दूर से कुछ इस तरह का लगता है। जैसे कि ये यहाँ से लगभग इसकी दूरी है यही कोई 700 या 800 मीटर बाबा दरबार में। उधर जो कुछ भी है वो भी चीज करते हैं लोग। चलो फटाफट निकलते हैं, ये सूरज ढलने वाला है, जल्दी से जल्द आपको दिखा देते हैं बाबा के दरबार को भी एक्सप्लोर करते हैं। चलो ये देखो किस तरह का क्या इसका डिजाइन है भाई, जीने का एक अलग ही डिजाइन है। देखो जिस तरह का ये इसमें लकड़ी फकड़ी जो कुछ भी है, इसका ऊपर का बेस है। चलो नीचे चलते हैं। ये एक कोई मस्त लगता है जो ये है, देख रहे हो सीढ़ी का एंगल भाई। ये है नीचे जाने का रास्ता, काफी डरावना है ना, अकेला आदमी तो पागल हो गए, गिर पड़े। मारते हैं इसमें ताला फटाफट। तो हेमलो जी, हम लोग आ चुके हैं बाबा के दरबार में। आप रितु भाई, ये रहे हम। चलो करते हैं तपसी वाले बाबा के मंदिर का एक्सप्लोर। आप मैच करने लगा है और रो रहा बाबा का दरबार। उस तरह यहाँ पे एक अलग ही बात आती है, क्योंकि उस तरफ नीचे नदी है और ऊपर पवित्र स्थान है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे हमेशा हर एक साल में एक न्यू भागवत होती है। इस साल 3 हुई 2023 में, 2022 में 2 हुई थी। तेरा हवन। ये है तपस्या वाले बाबा का स्थान है। ये स्थान काफी ऊंचाई पे है और ये नदिया किनारे वाले बाबा की है। ये गांव वाले की नदी, मुझे सुना है कि जो पत्थर है ये नदी से आया था, जो भी है हमें नहीं पता, जो मैंने सुना वो आपको बताया। तो हम आ चुके हैं वापस अपने गांव में, कर चुके हैं एंटर। तेरा हमारा डॉग, इसको किसी ने मारा, और ये हमेशा मेरे हाथ की रोटी भी खाता, हमेशा ये मटन डिलाइट बिस्कुट खाता है। अब चलो चलते हैं बाजार, चलो सब्जी लेके आते हैं फटाफट। Baby, baby.